हेलो जी, वेलकम। तो अगेन आप इस प्लेटफॉर्म पे हैं, राइट? तो अभी हम थोड़ी सी वॉक पे निकल आए हैं, लेकिन जो वेदर है वो थोड़ी सी तगड़ी है, मतलब समझ जाओ बारिश हो गई है। सिलसिला तो किस तरह से है, ठंड मुझे बहुत लग रही है अभी फ़िलहाल, तो मतलब सर्दी की क्या बताऊँ। खैर, हमारे लिए थोड़ा सा टफ़ सिचुएशन है, टफ़ वेदर है, क्योंकि एक ऐसी कंट्री से आना, डायरेक्ट और इस तरह के मामलात को फेस करना, तो बड़ी मतलब समझ जाओ कि बॉडी के लिए थोड़ी सी तकलीफ होगी, लेकिन खैर मैनेज तो करना ही होगा इसको। मतलब बॉडी आहिस्ते आहिस्ते उसी हिसाब से बनेगी और उसी हिसाब से फिर हमारी बॉडी ग्रूम करेगी, राइट? खैर, तो हम बात कर रहे हैं कि यार यहाँ पे ना, मतलब अब वो दिन आने वाले हैं, अब लगता है कुछ आप नज़र ही नहीं आएगा, मतलब इतनी धुंध होगी और स्नो फॉलिंग होगी, मतलब ये सारी चीज़ें अब वो दिन आ रहे हैं। कभी ब्रेक रशियन दोस्त हैं, उनसे इंशाल्लाह जब वो उनके पास टाइम होगा तो यही कोशिश है कि वो टाइम देंगे हमें, फिर वो हमें बताएंगे तफसील से कि कौन से टाइम में, कौन सी ड्यूरेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। बाय द वे, ये सिचुएशन इस तरह से होती है इस टाइम जब रशिया के अंदर मतलब मामलात सर्दी जो होने वाले होते हैं ना, तो बिल्कुल कुछ नज़र नहीं आता है, धुंध ऐसी धुंध होती है क्या बताऊं। लेकिन खैर, मैंने तो अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया है, आई होप कि एक्सपीरियंस करूं, देखूं कि किस तरह लोग तो डराते हैं भाई, इतनी ठंड होती है, ये होती है, वो होती है। मैं समझ जाता हूं कि ठंड तो होगी, लेकिन मामलात ये हैं, ठंड तो होगी, मुझे इतना आइडिया है कि ठंड होगी, लेकिन इतनी भी नहीं होगी जो बर्दाश्त करने की काबिल ना हो, क्योंकि लोग रह रहे हैं भाई, यहाँ पे लोग ज़िंदा हैं, तो इट मीन्स पॉसिबिलिटीज़ हैं, आए चांसेस हैं कि हम भी यहाँ पे सर्दी को इंजॉय कर सकते हैं। वायरल तो मामलात कुछ इस तरह से बने और हम थोड़े से आगे बढ़ने की कोशिश में हैं, राइट? वायरल वो तो जो पीछे कपल्स जा रहे थे, उन्होंने समझा कि मैं जो है ना बैक कैमरे से वीडियो बना रहा हूँ, व्लॉग वगैरह बना रहा हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने तो फ्रंट कैमरे से ही बना रहा हूँ। तो खैर, आप मुलायजा फरमा रहे हैं, सिटी मॉल का ही करीब इर्द गिर्द कोई इलाका है, लेकिन समझ जाओ वही एरिया है, बहुत बड़ी एरिया है, और जो बिल्डिंग्स वगैरह आप देख रहे हैं, सिटी मॉल तो आपने देखी होगी, तो वही मतलब सेम तो वही है। अच्छा जी, तो दोस्तों अब हम कोशिश ये करेंगे कि यानी कि जो हमारे पास एक जगह है, यूनिवर्सिटी प्रोस्पेक्ट है, वहाँ पे मुझे जाना है, लेकिन अभी मैं खैर खुद फेमिलियर नहीं हूँ उस जगह से। एक फ्रेंड है, वो फ्रेंड मे भी उसके पास टाइम हो तो, क्योंकि यहाँ पे टाइम की बड़ी कदर होती है। हम तो वेले फ़िलहाल हमारे पास टाइम है, हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई हाय हमारे साथ, हम चिल कर रहे हैं। खैर, जो कुछ अभी फ़िलहाल तो मैं इंजॉय कर रहा हूँ, लेकिन ख़ुद से ही कर रहा हूँ। बाकी एक दोस्त है, उन्होंने कहा कि यार फ़िलहाल चलो ठीक है, वो अभी बेसिकली है, मतलब समझ जाओ कि मामलात उसके ये हैं कि वो डॉक्टरेट की डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं, डॉक्टरेट की डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं, तो समझ जाओ वो बहुत ही बिजी होंगे, वो हैं सूडान से हैं। उन्होंने कहा कि चलो हम चले जाएंगे, हम मतलब आपको लेके चलेंगे, टेंशन कोई नहीं है, क्योंकि नया नया जब मामलात होते हैं ना, तो इस तरह से कुछ होता है, राइट? तो हम इस तरह अभी आगे तो खैर, तो हम सिटी मॉल के जाने भी हैं, कुछ करीबी इलाका है, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं उससे, मतलब आप समझ जाओ 5 या 6 मिनट के रास्ते पर है, 5 या 6 मिनट के रास्ते पर है जो ये डायरेक्शन आपको, आप आएंगे उस साइड तो आपको करीबन पीछे से दिख रही होगी कि होंगे मामलात करीब बहुत ही। तो खैर, कार वेट करने के लिए, लेकिन हमने कहा आप निकल जाएं, उसके बाद हम निकल जाएंगे। अब मुझे लगता है कि भैया मैंने इंट्री मार लेनी चाहिए, राइट? ये हमने मार ली इंट्री। खैर, तो खैर आप माइट आप देख रहे होंगे कि दुआ हुआ मुंह से निकल रहा है, लेकिन सिचुएशन ऐसी है, समझ जाओ सर्दी में बस कुर्बानी देनी पड़ती है आप लोगों के लिए। निकला हूँ
ठंड है वैसे, हवा भी चल रही है और अभी अभी बारिश रिसेंटली बारिश रुकी है, तो समझ जाओ हालत मेरी टाइट हो गई है, लेकिन खैर चल करना है, इसी तो वेदर में आप चलना है, जो भी है आप इस मामला में चलना होगा राइट। पर कल्ली वल्ली हम अपने पॉइंट पे जा रहे हैं जहाँ हमने जाना है, इंजॉय करते हुए चलेंगे। और कुछ मुलाहिजा फरमा रहे हैं आप लोग, यार मुझे सच्ची में एक बात बताऊँ, मैं अभी ना फिलहाल पॉइंट कर रहा हूँ यार, एक जॉब मिल जाएगा, बोलो क्यों, जॉब जब हमारी मिलेगी मतलब होगा इससे ये फ़ायदा कि नए नए प्लेसेस होंगे, वहाँ पे विजिट करने को दिल करेगा और राइट अपॉर्चुनिटी भी मिलेंगे कि यार बंदा विजिट कर ले, वहाँ पे मामलात सेट हो जाएंगे। बस कोशिश की है और अप्लीकेशन डाली है दो तीन जगहों में, देखेंगे भाई स्टूडेंट की। मैं चाह रहा हूँ जिस तरीके का जॉब समझ जाओ डिलीवरी वाली भी मिल जाए, हो जाएगा, चल जाएगा राइट। एक दो और भी हैं, बस आप दुआ कीजिएगा। अब हमने अपने हिस्से का डाला, देखते हैं हमें क्या मिलता है राइट। बाकी तो सब आपको पता ही है, आपका भाई कोशिश करता रहता है हर वक्त हर चीज़ के लिए इम्प्रोमाइजेशन। मैं ऐसी पर्सनालिटी है कि भाई मैं कहता हूँ कि कोशिश करो भाई, आपको रिज़ल्ट की टेंशन नहीं करनी चाहिए, आप कोशिश करो अपने हिस्से का बिल्कुल भरपूर अंदाज में डालो, बाकी छोड़ दो भाई, बाकी अल्लाह पे छोड़ दो, कुछ ना कुछ ज़रूर आपका बनेगा यार। जब आप दिल से कोशिश करोगे ना कुछ ज़रूर बनता है। और यही समझ जाओ ये नेचर, ये फितरत रखो कि यार हर चीज़ फ़ायदे के लिए होता है, हर चीज़ फ़ायदे के लिए होता है। तो यकीन जानिएगा आपको नेगेटिव चीज़ों में भी पॉजिटिविटी आप निकाल पाओगे, जब आप इस तरह चीज़ों को जो है ना कंक्लूड करना स्टार्ट कर जाओगे, तो सच्ची में बता रहा हूँ कि चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। आप फिर ना डिपेंडेंट होना कम हो जाओगे, तो आपको कोई कसने वाला बहुत कम होंगे, ताने देने वाला या कुछ मतलब कंटिंग करने वाले बहुत कम हो जाएंगे। कोशिश करो भाई यार चीज़ में पॉजिटिविटी निकालो, ज़िंदगी चिल करो, बाकी अमन है, बाकी सब कुछ सैड है। खैर कल्ली वल्ली साइड से बच्ची जा रही थी मुस्कुराते हुए चल पड़ी, और मैंने कहा चल भाई आगे बढ़ जा, हमारे पास फजूल हरकत करने के लिए टाइम नहीं है। तो खैर क्या बताऊँ मैं अब, मतलब सिचुएशन और सूरत हाल आपके सामने है, चल पड़ो भाई अपने काम से काम रखो, हम वैले चीज़ों में गंदे चीज़ों में एंट्री नहीं मारते हैं, ऐसे कुछ है। खैर मजाक कर रहा हूँ, लेकिन भाई के जज्बातों को समझो ना अभी फ़िलहाल, मतलब समझो आपस की बात है, बताना नहीं है किसी को। तो यहाँ तक हम इसको रखते हैं, अभी हो रही है बारिश, बाकी इंशाल्लाह फिर कभी हमारी बात होगी।